अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं इमली की चटनी। आए हम आपको बताते हैं इनमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये इमली ली थी मैंने 2 पैकेट, और उनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और भिगोने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह मल के, और ये देखें आप, सीड्स मैंने इसके अलहदा कर लिए हैं, और ये पानी और इसका जो गूदा है वो एक जगह पे मैंने कर लिए। ये इसमें देखें आपको चंक्स से नज़र आ रहे हैं, ये अभी मैं इनको ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी, ताकि ये हमारे जो चंक्स से इसमें हैं ये भी ख़त्म हो जाए। और इसमें मसाले कौन कौन से हम डालेंगे, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, ये 3 से 4 बड़े चम्मच है क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं। ये इसमें सौंठ है, सौंठ यानी अदरक जो होता है, सूखा अदरक पिसा हुआ, ये सौंठ है 1 बड़ा चम्मच। ये 2 बड़े चम्मच जो हैं ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और ये गुड़ है। आप चाहें तो आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ डाल लें, क्योंकि गुड़ से जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीनी से भी अच्छी बनती है, लेकिन ये कि गुड़ से और अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं जो है ये इसको गुड़ से बना रही हूँ। अब ये देखें, ये इसको मैंने जग में डाल के जो थोड़े से इसमें चंक्स थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिए, और अब ये हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो आ गया। अब हम चूल्हा जला दिए, अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। अब ये देखें, इसको हमने चूल्हे पे रख दिए, ये पकना शुरू हो गई है। ये हमने बिल्कुल इसको स्मूथ कर लिया, जो इसमें चंक्स थे वो हमने बिल्कुल उसको ग्राइंड किया, तो वो स्मूथ सी पेस्ट हमारे पास आ गई है। ये इसलिए किया हमने ताकि एक अच्छी सी हमारी चटनी तैयार हो जाए। इसमें हमने नमक नहीं डाला, क्योंकि हमारे यहाँ जो इमली मिलती है उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया। अगर आपके पास दूसरी इमली है तो आप बिल्कुल उसमें नमक भी ऐड करेंगे। और ये जो मैंने मसाले आपको बताए थे, ये मैं सारे इसमें डाल दूँगी। और इसमें मिर्चें मैंने काफ़ी सारी 3-4 चम्मच भर के डाले हैं, क्योंकि ये खट्टी मीठी सी होती है और थोड़ा स्पाइसी अच्छी लगती है। और ये मैं इसमें गुड़ भी ऐसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये जब पकेगा तो ये गुड़ जो है ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। और अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो आप इसी के साथ ही यहाँ पे चीनी भी डाल देंगे, ताकि वो चीनी जब पानी छोड़ती है तो वो पतला कर देती है आपकी चीज़ को, तो फिर जब वो साथ साथ पकेगी तो वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी चीज़ भी तैयार हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक कि हमारा गुड़ मेल्ट होगा और बाकी मसालों के साथ ये पकेगी, तो फिर हम आपको बताते हैं। अब हम थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। ये देखें, हमारी चटनी जो है ये कुक हो रही है, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं इसमें 1 चम्मच भर के, ये देखें बड़े वाला जो है चीनी भी साथ में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये गुड़ इनफ नहीं होगा। और एक टिप आपको देती जाऊँ कि अगर आपके पास खजूर है तो आप उसको भी, जब आप इमली भिगोते हैं तो उसके साथ उसमें खजूरें भी काफ़ी सारी डाल दें, और उसकी भी गुठलियाँ आप निकाल के और उसको इसी तरह ग्राइंडर में इमली का पल्प और खजूरों को अच्छे से ब्लेंड करके तो फिर आप बनाएं, तो उससे भी बहुत मज़े की बनती है। फिर उसमें ये है कि आपको चीनी या गुड़ जो है वो थोड़ा कम मिकदार में डालना पड़ेगा, क्योंकि खजूरें जो हैं वो ऑलरेडी मीठी होती हैं। तो एक ये भी टिप भी है कि अगर आपके पास खजूरें हों काफ़ी सारी, तो आप वो काफ़ी सारी खजूरें भी, जितनी क्वान्टिटी में इमली है उतनी क्वान्टिटी में आप खजूरें भी साथ डाल सकते हैं। अब ये देखें, 15 से 20 मिनट हमने इसको कुक किया, तो ये हमारी एक अच्छी सी चटनी जो ये तैयार हो गई है। ये अभी थोड़ी सी आपको लिक्विड ही लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें कम से कम भी हमने 2 कप चीनी के इसमें हमने डाले हैं, और साथ में हमने गुड़ डाला था। और अगर आप देखें कि इमली का कलर अगर इतना खिला हुआ नहीं है, तो आप इसमें ये 1 से 2 ड्रॉप जो है फूड कलर के डाल सकते हैं। ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, सिर्फ 2 ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ उसकी एक लुक अच्छी सी आ जाएगी। अगर आपकी इमली अच्छी है तो फिर आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि इमली का कलर इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ी सी उसकी लुक अच्छी करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा फूड कलर, रेड कलर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, एक अच्छा सा उसका कलर आ गया, और अब ये हमारी इमली जो है ये रेडी हो गई है। हम इसे डिश आउट करते हैं। और ये देखें, ये हमारी चटनी जो है ये तैयार हो गई है। अभी ये गर्म है, जब ये ठंडी होगी तो फिर ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब आप इसको
पकौड़ों के साथ, दही भल्लों के साथ, चना चाट किसी के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा और ट्राई भी ज़रूर करिएगा। और इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।